नमस्कार, वेलकम माय जूटो फैमिली। प्रभु की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाते हैं शिमला मिर्च की चटनी। तो चलिए, इसके लिए हम जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है जिंजर, कैप्सिकम, दो हरी मिर्च और एक टमाटर। इन सब को हम रोस्ट कर लेते हैं। ऐसे गैस के ऊपर मैंने एक जाली रख ली है। तो जो भी रोस्ट करना है इसके ऊपर हम रख लेते हैं, जैसे शिमला मिर्च होगी, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, सबको मैंने रख के गैस ऑन कर लिया है। बस इसको ऐसे घुमा घुमा के अच्छी तरह से इसको रोस्ट करना है। पहले शिमला मिर्च को अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। सबको ऐसे आगे करके ना ऐसे घुमाते जाना है, और जहाँ से कच्ची लगे उस साइड से इसको घुमाना है और सबको ऐसे भूनना है। हमारी मिर्चें हैं ये जो हमारी हो गई हैं रोस्ट। अब हम बाकी वाला देखते हैं। ये अदरक भी हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। शिमला मिर्च हो गई, टमाटर को थोड़ा सा और टाइम लगेगा। चलो जी, हमारा ये सारा हो गया, इसको करते हैं अब ठंडा। ठंडा इसको एक साइड रख लेते हैं। तो एक जार में मैंने ले लिया है थोड़ा से अखरोट और तिल। जी आगे दो रेड चिल्ली, ये ऑप्शनल है, अगर तीखा खाना तो हम डालेंगे। तो हमने डाली है इसमें नमक और हींग। सबको हम पीस लेते हैं पहले। हमारे जो ठंडी हो गई है तो इसको हम जो एक्स्ट्रा जो है ना, जो सिल्क है, इसको निकाल दे लेते हैं। ज़्यादा इसको पील करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक्स्ट्रा जो ज़्यादा है उसको हम निकाल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, जो ब्लैक ब्लैक है इसको निकाल लेते हैं। ऐसे हम टमाटर का भी कर लेते हैं। इसको धोना नहीं है, ऐसे ही रखना है। अगर धोएंगे तो इसमें जो स्मोकी का जो फ्लेवर आता है वो नहीं आएगा। बिना धोए इसको चॉप करना है। अब रफली हम जार में इसको चॉप कर लेते हैं। हमने पीसना ही है, इसको मोटा मोटा ही काटेंगे। अब शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं। ऐसे हमने टमाटर को भी काट लिया है। अब इसमें हम धनिया वो भी काट के डाल लेते हैं। धनिया जो है उसको डंडल समेत सारा ही लेना है, इसके पत्ते नहीं लेने, सारा लेना है। डंडल वगैरह जो नीचे से मोटे मोटे वो भी डाल लेंगे, चटनी में टेस्ट आते हैं। तो एक चम्मच हमने चाट मसाला डाल लिया, एक चाय वाला कप जो पानी का इसमें डालेंगे। अब इसको हम पीस लेते हैं। बिना तेल के इसको हम कोई तड़का नहीं लगाएंगे, फिर भी ये बहुत टेस्टी है, अच्छी लगे। इसको हम एक जार में डाल के एक दो दिन के लिए हम स्टोर भी कर लेंगे। इसको लगाएंगे अभी फ्रिज में, तो रखेंगे दो दिन और खाएंगे, इसका मजा लेंगे। Thanks for watching.